बच्चों की सबसे बड़ी समस्या पेट की होती है। इसके पहले जो आस्था फाउंडेशन ने वीडियो डाला था बच्चों में पेट की समस्या, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और बहुत ही अच्छा ये वीडियो हमारा रहा। आज हम बात करेंगे बच्चों में जो बच्चों के पेट में जो कृमि होती हैं उसके लक्षण क्या हैं और उपचार क्या है। मैक्सिमम अधिकतर बच्चों में ये समस्याएं होती हैं लेकिन उनके माता पिता को समझ में नहीं आता है कि कृमि है या नहीं भी है। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार और झारखंड के मशहूर बच्चों के पेट और लीवर के डॉक्टर डॉक्टर श्रीकांत पांडे। सर बताइए कि बच्चों में जो कृमि की समस्या होती है उसके लक्षण क्या है और उसका उपचार क्या है। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीकांत पांडे, पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट। मैं पटना एंड झारखंड रांची दोनों जगह पे अपना क्लिनिक चला रहा हूँ। और आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो पुरुषोत्तम जी ने बोला, वॉर्म इन्फेस्टेशन, मतलब बच्चों में कृमि या कीड़ा जो पेट में हो जाता है, जिसके लेकर गार्जियन पेरेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे तो हम सोचेंगे कि हमारे बच्चे को पेट में कीड़ा हो गया है या कृमि हो गया है, और इसके बचने के क्या क्या उपाय हैं और कौन कौन सी दवाइयाँ हम दे सकते हैं। तो मैं संक्षेप में आपको आज इसके बारे में बताऊँगा। तो जो मोस्ट कॉमन सिम्टम, जो लक्षण दिखाई देते हैं बच्चे में, जो जिसके कारण आप सोच सकते हैं कि बच्चा को वॉर्म इन्फेस्टेशन हो सकता है, जनरली ये लेस देन 5 ईयर एज ग्रुप में होता है, क्योंकि लेस देन 5 ईयर एज ग्रुप के बच्चे अपने हाइजीन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है हमारा पुअर हाइजीन होता है वॉर्म इन्फेस्टेशन का। तो जो सिम्टम हमें दिखाई देगा, सबसे मुख्य सिम्टम है पेट दर्द। बच्चा बार बार बोलेगा कि हमें पेट में दर्द होता है, जिसका कि हमें कोई कारण नहीं मिलता है। दूसरा क्या होता है, वॉमिटिंग, मतलब उल्टी होना, और नौजिया, मतलब जिसको हम लोग आप लोग बोलते हैं उल्टी जैसा लगता है, डोकी आना बोलते हैं। तो नौजिया, वॉमिटिंग, पेन एब्डोमेन, ये तीन मुख्य लक्षण हैं जो जिसको होने से हम सोच सकते हैं कि बच्चे में वॉर्म इन्फेस्टेशन हो सकता है। इसके अलावा जो हमें सिम्टम दिखाई देता है एब्डोमिनल फुलनेस, मतलब पेट फुला फुला दिखेगा, बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा है या ग्रोथ जहाँ था वहीं रुक गया है, या वेट लॉस हो रहा है, ये भी कारण हो सकते हैं, और खून की कमी भी हो सकती है। कुछ वर्म्स ऐसे होते हैं जिनके होने से हमारे शरीर में खून की कमी भी हो सकती है। तो ये कुछ मुख्य लक्षण हैं जो हमें दिखाई देंगे, जो मैंने आपको बताया, पेन एब्डोमेन, वॉमिटिंग, नौजिया, बच्चे का पेट का फूलना, खून की कमी, वेट लॉस होना, वेट नहीं बढ़ना, बच्चे को भूख नहीं लगना, ये सारा चीज़ अगर इसमें से कुछ भी दिखाई दे रहा है और कुछ कारण समझ में नहीं आ रहा है तो हम सोच सकते हैं कि बच्चे के पेट में वॉर्म इन्फेस्टेशन हो गया होगा। तो ये होता कैसे है? होने का जो मेन कारण है हमारा, वो होता है खाने पीने, मतलब फूड और वाटर से होता है। तो जो भी हमारा जो वॉर्म होता है उसका लार्वा या एग खाने के द्वारा या पानी में कंटामिनेट होके आता है, जिसको हम लोग बच्चे खा लेते हैं, और उसके बाद में क्या होता है कि उनके बॉडी के अंदर जाके वही वॉर्म फिर आगे फर्दर लाइफ साइकिल में डेवलप होता है, फिर वहाँ पे अंडा देता है और अपना फैमिली को बढ़ाता है। तो इस तरह से हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है फूड एंड वाटर का कंटामिनेशन। अदर जो है पुअर हाइजीन है, जैसे कि हम बच्चों का नेल कट्स नहीं करते हैं, बच्चे बार बार मिट्टी में धूल में खेल रहे हैं, विदाउट हैंड वॉशिंग किए खाना खा रहे हैं, और टॉयलेट गए हैं, टॉयलेट से आके हाथ धोए हैं और उसके बाद साबुन से हाथ नहीं धोए हैं, डायरेक्ट खाना खा रहे हैं, तो ये कुछ कॉमन रूट ऑफ इन्फेक्शन है जिससे हमको बच्चे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रिवेंटिव मेजर, जो बचने के लिए हमें ध्यान देना है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। सबसे अच्छा अगर आपके पास पानी का सोर्स है जो कि बहुत प्यूरिफाइड नहीं है, तो आप सिंपली बॉयल करके पानी पिला सकते हैं, पानी को उबाल के छान के रख दीजिए और उसी का यूज कीजिए। दूसरा चीज़ है खाना, खाना जो हम लोग बनाते हैं उसको भी प्रॉपर वॉश करें, वॉश करने के बाद अच्छे से कुक करें फिर खिलाएं। तीसरा चीज़ है बच्चे का हमेशा नेल क्लिप करके रखें, मतलब नेल काट के रखें, जब भी वो आते हैं उनमें हैंड हाइजीन का हैबिट डेवलप कीजिए, घर के बाकी मेंबर भी हैंड वॉश कीजिए खाने से पहले, और बच्चे को भी सिखाइए कि खाना खाने से पहले हाथ धोए, अगर छोटा बच्चा है तब खुद से उसे ले जाकर धो दें। तो ये सारे चीज़ अगर हम ध्यान देते हैं, हाइजीन का, फूड का, वाटर का, तो हम ये सब प्रिवेंटिव मेजर है, मतलब इससे आपको बच्चे को इन्फेक्शन होने का रिस्क कम हो जाएगा।
अब अगर आपके बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारे पास उपाय क्या है इसे ठीक करने का? तो हमारे कुछ मेडिसिन्स हैं जो हम लोग जनरली यूज करते हैं आजकल। आप कहीं भी ओवर द काउंटर ड्रग है, कोई भी दवा दुकान में जाएंगे, कीड़े की दवा बोलो, तरह तरह के कीड़े की दवा है जो आपके बच्चे को दे दिया जाता है। लेकिन मोस्ट कॉमन जो यूज होता है ड्रग वो है अलबेंडा जो, बहुत सारे ड्रग हैं और प्राजिक्वेंटल है, आइबरमेक्टिन है, नीटाजोक्सानाइड है, सब है। लेकिन दवा यूज करने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए कि हमें किस डोज में देना है, कब देना है, कितने समय के लिए देना है कि नहीं देना है। तो अपने से कीड़े की दवा नहीं देना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं अपने प्रैक्टिस में बहुत सारे लोग आते हैं, बच्चे को कुछ भी हुआ, अदर कारण से पेट दर्द हो रहा हो या भूख नहीं लग रहा हो, डॉक्टर साहब हमें लग रहा था कि हम कीड़ा का दवा दे दिए, हमें लगा कीड़ा का इन्फेक्शन हो गया है, और डायग्नोसिस होने में काफ़ी लेट हो जाता है। इसीलिए हमेशा आपको डॉक्टर से उचित सलाह लेना चाहिए। अदर कॉजेज जो पेन एब्डोमेन के हैं, वॉमिटिंग के हैं, आपका बच्चा का वेट लॉस हो रहा है, तो ये नहीं है कि ये कीड़ा के वजह से ही हो रहा है। तो पहले आप ये जानने की कोशिश करें, अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें कि ये किस कारण से हो रहा है, वर्म्स के हैं कि नहीं, वो डॉक्टर आपको डिसाइड करके बता देंगे कि ये वर्म इन्फेस्टेशन के लक्षण लग रहे हैं। तो उस समय पे आप जो भी आपको मेडिसिन सलाह दिया जाता है वो लेंगे तो आपके बच्चे को फायदा करेगा। धन्यवाद।